So hi, this is Shom Purkayat from Indian Statistical Institute, Kolkata. My all India ranking Indian Statistical Institute entrance test was 20. So आज हम लोग एक्सरसाइज 4 कंटिन्यू करेंगे. पहले हमने चैप्टर ब्रीफ किया था इस चैप्टर का, तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का. अभी हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग का जो जो है पहला क्वेश्चन है, अ सर्कुलर कॉयल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8.0 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉयल. मतलब यहाँ पे क्या बोला है, पहले तो नंबर ऑफ टर्न दे दिया है, मतलब कितना टर्न है वो दे दिया गया है. रेडियस ऑफ ईच टर्न, मतलब इतना छोड़ छोड़ के नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इतना छोड़ छोड़ के नहीं, शायद वो ऐसा 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 होगा, लेकिन मैं छोड़ छोड़ के दिखा रहा हूँ ताकि आपको टर्न समझ में आए कितना टर्न है, उसका मतलब क्या है. डायरेक्ट फॉर्मूला तो हम यूज कर ही सकते हैं, तो फॉर्मूला का हम लोगों को टर्मिनोलॉजी अच्छे से पता होना चाहिए कि फॉर्मूला में जो है एन क्या है, आर क्या है, आई क्या है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. तो एन क्या होता था अपना, कभी कभी एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी होता है, कभी कभी एन जो है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी होता है. तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन फॉर्मूला टू फॉर्मूला तो थोड़ा वेरी करता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, लेकिन फिर भी आपको समझना है. जैसे आई का मतलब हमेशा करंट ही होगा, तो उसी हिसाब से आपको अच्छे से दिमाग में रखना है कि फॉर्मूला का मतलब भी क्या है. ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला ही रख लिया, आपको फॉर्मूला भी का मतलब भी पता होना चाहिए. जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर कॉयल एन इक्वल टू 100 है, रेडियस ऑफ ईच टर्न है 0.8 मीटर. अभी 0.8 मीटर क्यों बोला है, क्योंकि हमको एसआई में लाना है, पता ही आपको, तो यूनिट सेम लग रहा है, तो 100 को 100 ही रखेंगे, दैट इज यूनिटलेस. तो करंट फ्लोइंग इन द कॉयल है 0.4 एम्पियर. तो यहाँ से जो है हमारा फॉर्मूला क्या था, मॉड ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर. 2 पाई I/R जो था इंटू एन होगा, क्योंकि एन टाइम्स है, तो या फिर डायरेक्ट आप इन इन टर्म्स का भी फॉर्मूला ये होता है, आप अच्छे से देख सकते हो. तो और यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, ये तो कांस्टेंट है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स. मॉड बी जो है अपना फाइनली कैलकुलेट जब करेंगे तो निकल के आ रहा है 3.14 × 10⁻⁴ टाउ, मतलब टेस्ला. तो फॉर्मूला का तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो आपको मेन नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए कि फॉर्मूला में एन क्या है, आई क्या है, आर क्या है, क्योंकि म्यू नॉट तो पता है और पाई तो कांस्टेंट है ही, तो वो वाला चीज देख लीजिए और आपका जो है एक बार कंपटीशन देख लीजिए आप लोग. पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसके बाद अच्छा मतलब समझ में आएगा पूरा कैसे क्या हो रहा है. तो पहला क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है, एक बार देख लीजिए आप अच्छे से. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, तो फिर भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो है एज इन सेंस की नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए, फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थियोरिटिकल से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, तो आपको वो चीजें आना चाहिए, आपको फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं आना चाहिए, उसका मतलब भी आना चाहिए अच्छे से समझ. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4.2. 4.2 में क्या बोला है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर. तो करंट इन द वायर क्या बोला है, दैट इज आई इक्वल टू 35 एम्पियर. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वायर क्या बोला है, आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर. और मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट क्या है, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I/R. ये अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो हमने डेरिवेशन के टाइम पे ही किया था, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. आपको क्या है, डेरिवेशन के टाइम पे पूरा शायद फॉर्मूला के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, एक्सरसाइज करने के बाद आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, कैसे यूज करना है वो आपको पता चल जाएगा, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद भी हो जाएगा. लेकिन सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं रखना है, फॉर्मूला में क्या चीज क्या है आपको अच्छे से याद रखना है. पहली बात तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ये तो कॉन्स्टेंट है ही, इंटू 2 I/R. आई क्या है यहाँ पे, 35 एम्पियर यानी कि करंट, और आर जो है डिस्टेंस है, मतलब पॉइंट से वायर से जो है पॉइंट का डिस्टेंस है, वो तो 0.2 दे दिया है, तो हम सभी वैल्यू पुट करेंगे तो अपना जो है वैल्यू निकल के आ रहा है 3.5 × 10⁻⁵. ये जो है अपना वैल्यू निकल के
आ रहा है। तो आप देख लीजिए अच्छे से, थोड़ा थोड़ा पहले आपको थोड़ा नया टाइप का फॉर्मूला जो है फॉर्मूला बिठाने में शायद दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो आंसर जो है यहाँ पे 3.5 × 10⁻¹ है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि कौन सा वाला स्ट्रक्चर दिया है वो समझना है, फिर आपका फॉर्मूला पुट करना है। तो ये वाला चीज गया। अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वेयर इन द हॉराइजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करेंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डिरेक्शन। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। यानी कि अ लॉन्ग वायर इन द हॉराइजोंटल प्लेन, हॉराइजोंटल प्लेन में एक लॉन्ग वायर है जो 50 एम्पियर करेंट ले रहा है नॉर्थ टू साउथ डिरेक्शन में, और बी का जो है मैग्नीट्यूड और डिरेक्शन भी बोलना है। डिरेक्शन मतलब नॉर्थ साउथ, इस हिसाब से आपको बोलना है, अप डाउन ऐसे टाइप के। तो ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 ईस्ट ऑफ द वेयर, ईस्ट ऑफ द वेयर। तो यहाँ पे देखते हैं, करंट इन द वायर आई इक्वल टू 50 एम्पियर। तो करंट तो आपका आई स्टैंडर्ड नोटेशन है, वो 50 एम्पियर बोल दिया गया है। पॉइंट इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द वायर, यानी कि ईस्ट ऑफ द वायर से 2.5 मीटर अवे है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर इज आर इक्वल टू 2.5 मीटर। तो पॉइंट का डिस्टेंस है वायर से आर इक्वल टू 2.5 मीटर, तो उसका उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज बी इक्वल टू म्यू नॉट 2I/4πr। ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये चीज आप अच्छे से देख लो फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला में जो है, अब तो आई और आर पुट करेंगे, म्यू नॉट और 4π तो कांस्टेंट है, वो पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। आंसर निकलने से पहले आप ये चीज देख लो कि स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है। ये उस टाइप का फॉर्मूला नहीं है कि आपके दिमाग में कराक करके आ जाएगा, आपको पहले देखना होगा कि कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, वो देख के आपका जो है आंसर निकलेगा। बी का आंसर यहाँ पे जैसे म्यू नॉट 2I/4πr है, वो आपको स्ट्रक्चर देख के फिर लाना है। तो फिर जो है आपको फॉर्मूला लिख के फिर वैल्यू पुट करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखते ही चलो चलो मतलब कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको पेशेंटली मतलब पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा अच्छे से धीरे धीरे कि क्या क्वेश्चन है, क्या गिवन है, क्या सब कुछ यूज करना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ऐसा कई बार होता है। तो आपको देखना है कि जो हम कर रहे हैं वो किस किस चीज का डिमांड कर रहा है, वो क्या क्वेश्चन में है, अगर है तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे क्या क्या जरूरत है, म्यू नॉट और पाई के लिए तो कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है। आई और आर जरूरत है, आई क्या गिवेन है, हाँ, आर क्या गिवेन है, हाँ। तो हमको ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से म्यू नॉट का वैल्यू पुट करते ही अपना आंसर क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻¹। अब जो है आपका जो है डिरेक्शन मेन चीज है। एक चीज देखो यहाँ पे क्या था, नॉर्थ टू साउथ डिरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये वाला कन्वेंशन हम लोग पकड़ेंगे। तो फिर करंट किस तरफ जाएगा, करंट जो है नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, और पॉइंट कहाँ पे है, ये तो मैग्नीट्यूड निकला, पॉइंट कहाँ पे है 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, मतलब 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, यहाँ से 2.5 मीटर। तो यहाँ पे जो है आप लोग जो ये वाला करंट जा रहा है, तो आप लोग थंब रूल से भी मतलब राइट हैंड रूल से थंब रूल से भी कर सकते हो मैक्सवेल का, कि मान लो आपका हाथ है तो आप ऐसे करके पकड़ रहे हो, ठीक है ना, तो फिर आपका उंगली क्या इस मतलब ऐसे करके उठ रहा है, तो मतलब यहाँ से उठेगा ऊपर की मतलब अबव द प्लेन आएगा, तो वर्टिकली जो है वो
मतलब क्या बोलते हैं, अपवर्ड आएगा, ठीक है ना, इस डिरेक्ट मतलब किस डिरेक्शन में आएगा वो आपको आई गेस पता हो गया होगा। इस तरीके से आपको डिरेक्शन निकलना में आना चाहिए, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, ये वाला चीज का मतलब होता है अबव द, मतलब प्लेन से निकल के आ रहा है, और ये वाला का मतलब होता है अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो आई होप ये वाला नोटेशन आपको क्लियर हो गया, उसीलिए हम मैंने इस डिरेक्शन में दिखाया है। तो आई होप दिस इज क्लियर। फिर भी आप अच्छे से डिरेक्शन वाला देख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईच टू वेज डिरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। अब जो है, पहले हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो पहले तो उस पॉइंट पे एक तो करंट जा ही रहा है ऊपर से, वा मतलब 1.5 मीटर नीचे उसका, उस लाइन के 1.5 मीटर नीचे उसका मैग्नेटिक फील्ड का डिरेक्शन और वैल्यू दोनों ही पूछा है। तो वैल्यू निकालना तो हम लोगों का डायरेक्ट पहले फॉर्मूला था, फिर हम लोग डिरेक्शन निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो आई इक्वल टू 90 एम्पियर गिवेन है, और कितना डिस्टेंस नीचे है 1.5 मीटर क्वेश्चन में गिवेन है। म्यू नॉट आई, म्यू नॉट इंटू 2i/2πr, ये अपना आ गया। तो म्यू नॉट का वैल्यू तो आपको पता है, म्यू नॉट का वैल्यू, हाँ एक चीज, म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि म्यू नॉट का वैल्यू नहीं पता है, बाद में ऐसा कुछ मत करना। म्यू नॉट का वैल्यू आपको अच्छे से पता होना चाहिए, म्यू नॉट इंटू 2i/4πr। तो यहाँ से जो है अपना बी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आई का वैल्यू हमको पता है और आर का वैल्यू भी पता है। आई का वैल्यू क्या था, कितना करंट जा रहा है, और आर का वैल्यू क्या था, कितना डिस्टेंस दूर पे हम लोग जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो देख लीजिए, तो इसी टाइप का जो मतलब वायर के आसपास जो है उसका क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 2.5 सॉरी 1.5 मीटर गिवन है। तो उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे। तो कैलकुलेशन देख लीजिए, फाइनली हमारा 1.2 आया। तो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो हमारा जो है पॉइंट इज बिलो द पावर लाइन एंड अकॉर्डिंग टू राइट एंड थर्ड रूल द डिरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टूवर्ड्स साउथ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ईस्ट टू वेस्ट है मतलब साउथ की तरफ, ये जो है इसका डिरेक्शन होगा। तो आप लोगों कैसे, एक बार देख लेते हैं कैसे, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, इस तरफ करंट जा रहा है, तो इस तरफ जो है करेंगे, तो ऐसा एक एक सेकेंड इस टाइप का आएगा, आप लोग समझ सकते हो, इस टाइप का जो इस डिरेक्शन में आएगा, ठीक है ना, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो इस डिरेक्शन में आएगा। इस डिरेक्शन में क्या, में आने का मतलब क्या है, ये साउथ डिरेक्शन है, ये तो नॉर्थ डिरेक्शन है ही, तो ये साउथ डिरेक्शन में इसका डिरेक्शन आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मैक्सवेल्स थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, इसके मदद से ही आप लोग डिरेक्शन निकाल सकते हो। डिरेक्शन में बहुत गलती होता है, तो डिरेक्शन जब निकालोगे आराम से निकालना, वैल्यू निकालने से भी ज्यादा अभी आपको डिरेक्शन निकालने में दिक्कत हो रहा होगा, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डिरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। तो एक चीज देख लो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो पहले तो उसका लेंथ मान लेते हैं एल, तो एफ बाई एल हमको निकालना है। तो टोटल फोर्स एफ निकालेंगे तो एफ बाई एल अपना आंसर होगा, ठीक है ना। ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो पहले तो वायर जो है उसमें से 8 एम्पियर करंट जा रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है 0.15 टाउ,
एंगल जो है वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का 30 डिग्री है। तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, दैट इज बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा, सॉरी बी इंटू आई इंटू साइन थीटा। यहाँ पे पर यूनिट लेंथ पहले से ही बोल दिया है एफ, तो इसलिए यहाँ पे एल नहीं है ना, नहीं तो यहाँ पे टोटल फोर्स था बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा, यहाँ पे पर यूनिट लेंथ है तो इसलिए यहाँ पे बी इंटू आई इंटू साइन थीटा है। यहाँ पे जैसे देखो एल का वैल्यू का क्या जरूरत है इसमें, एल का वैल्यू का जरूरत हमको नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट जो आंसर है फोर्स पर वहां पे तो अभी इंटू आई इंटू साइन थीटा एल तो कहीं पे है ही नहीं, तो इसलिए हमारा एल पे जो है कोई डिपेंडेंस नहीं है, मतलब एल जो है हमारे आंसर में नहीं है, इसलिए गिवेन भी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एफ अपना क्या आएगा, पहले तो टोटल फोर्स क्या आता, टोटल फोर्स अपना क्या आता, दैट इज टोटल फोर्स आता, ये तो अपना गिवेन कंडीशन है, टोटल फोर्स आता बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा। अभी जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब एफ बाई एल, ये क्या आ जाएगा बी इंटू आई इंटू साइन थीटा, यहाँ से जो है हमारा आंसर फोर्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एफ निकल के आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.6। क्वेश्चन नंबर 4.6 में क्या बोलेंगे, 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ओके, अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवेन टू बी 0.27 टेस्ला, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। तो हमें क्या बोला है, 0.3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे जो इसका एक्सिस है उसके एक्सिस मतलब सोलेनोइड का जो एक्सिस है, तो सोलेनोइड का एक्सिस क्या कैसा होता है एक बार देख लेते हैं। तो सोलेनोइड होता है ऐसा टाइप का, सोलेनोइड का एक्सिस ये, इससे परपेंडिकुलर जो है वायर गिवन है, मतलब एक वायर जो है वो बिठाया गया है अंदर परपेंडिकुलर डिरेक्शन में, तो फिर इसका जो है इनसाइड द सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या दिया गया, दैट इज 0.27 टी, ये यूजुअली सेम ही होता है, सोलेनोइड इतना छोटा होता है अंदर वाला गैप बाहर वाले से, मतलब तो बाहर वाले रेडियस से अंदर वाला रेडियस इतना छोटा होता है कि ये थ्रू आउट सेम पकड़ा जाता है, दैट इज 0.27 टाउ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन द अर्थ, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स पुट ऑन द वायर, तो वायर पे कितना, यहाँ पे जो अंदर वाला चीज है उस पे कितना जो है हमारा टोटल फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दैट इज हमने एक वाला फॉर्मूला किया था याद है, दैट इज फोर्स इक्वल टू बी आई इंटू एल साइन थीटा, ये हमने किया था ना, तो यहाँ पे जो है हम लोग उसी का यूज करेंगे। पहला जो है हमारा लेंथ ऑफ वायर क्या है, देखो यहाँ पे सोलिनॉइड का कुछ जरूरत नहीं है, अगर सोलिनॉइड का अंदर का बी निकालने के लिए बोलता तो हम लोग का उसका जरूरत पड़ता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बी बोल दिया तो फिर उसका कुछ चीज का जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका 0.27 का मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत है, तो वो हमको मिल गया। और वायर में जो करंट है वो दैट इज 10 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज 0.27 टाउ, एंगल बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है 90 डिग्री, वो 90 डिग्री क्यों है, वो तो परपेंडिकुलर है क्वेश्चन में गिवन है, और मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वायर इज गिवन एज एफ इन सॉरी बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा, तो बी यहाँ पे क्या है 0.27, एल यहाँ पे क्या था सॉरी आई यहाँ पे क्या था 10 एम्पियर, और यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर इज 0.3 मीटर, तो दैट इज 0.3 साइन थीटा, साइन थीटा तो 90 डिग्री है और 0.03 एल का वैल्यू है, तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.1 × 10⁻²⁻ आंसर निकल के आ रहा है, हेंस द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इज 8.1 × 10⁻²। द डिरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल,
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग का जस्ट वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी हमारा जो है बी का वैल्यू 0.27 टेस्ला है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी कि वो परपेंडिकुलर है वो वायर और अपना जो है सॉलिनॉइड का अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। और बाकी फोर्स, टोटल फोर्स इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल साइन थीटा है। और यहाँ पे जो है हम लोग वैल्यू पुट करके हमारा फाइनल आंसर तक पहुँचे हैं। तो ये थोड़ा सा अलग वाला प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सा सोचना हो सकता है। तो आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे इसका वैल्यू कांस्टेंट क्यों नहीं है, सॉफ्ट मतलब तो स्मॉल एफ का वैल्यू जो है, स्मॉल एफ नहीं यहाँ पे कैपिटल एफ है, तो फाइनली 8.1 × 10⁻²⁻ ये निकल के आ रहा है। लेकिन आपको ये देखना है कि ये निकला कैसे। मतलब एक चीज देखो, यहाँ पे या तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोलेगा, या तो या आपको क्या बोलेगा कि आप फोर्स निकालो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दोनों में ही करंट इन्वॉल्व है। यहाँ पे क्या फोर्स निकालने के लिए बोला है, तो फोर्स में हमेशा थोड़ा एंगल इन्वॉल्व रहता है, हालांकि दूसरी जगह पे भी रहता है लेकिन यहाँ पे ज्यादा रहता है। तो आप लोग ये चीज देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आता है, इसलिए जो है हमारा एंगल जो है वो यहाँ पे वेरी करता है। तो आप अच्छे से करोगे तो 8.1 × 10⁻²⁻ आंसर निकल के आ रहा है। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 4.7, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डिरेक्शन आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस से 8 एम्पियर और 5 एम्पियर का करेंट कैरिंग वायर जो है वो मतलब दूर है। एस्टिमेट द फोर्स ऑफ अ 10 सेंटीमीटर ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर। पहली बात तो आपको पता होगा कि अभी जो है एक करंट का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के अलग होता है, इसलिए जो है आई होप आपको अभी आवाज आ रहा होगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कि हम जो कहाँ पे थे, दैट इज दूसरे जो करंट है एक की करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दूसरा वाला जो करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से फोर्स फील करेगा, तो इसीलिए वो दोनों जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे एक दूसरे की तरफ। तो ये चीज देख लेते हैं। सेम डिरेक्शन है तो फोर्स का डिरेक्शन भी देख लेंगे। तो देख लेते हैं, तो पहली बात तो है यहाँ पे करंट फ्लोइंग इन वायर ए इज आई ए इक्वल टू 8 एम्पियर, आई इक्वल टू 8 एम्पियर है, ठीक है ना। तो और करेंट फ्लोइंग इन द वायर बी क्या है, दैट इज आई बी इक्वल टू 5 एम्पियर। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। ये सभी गिवेन है, ये सभी जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना ये सभी गिवेन है क्वेश्चन में। डिस्टेंस ये तो पैरेलल लाइन है यानी कि डिस्टेंस गिवेन है, लेंथ ऑफ द सेक्शन ऑफ द वायर जिसके ऊपर फोर्स निकालना है वो ये है, तो उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट 2 × LaLb IaIb × L/4πr। तो ये तो अपना क्या हो गया, b का वैल्यू हो गया, तो b का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, दैट इज 2 × 10⁵ - 5 न्यूटन। तो अच्छा हाँ, ये इस बी का मतलब आप वो वाला मत समझिए कि इंटेंसिटी, ठीक है ना, यहाँ पे डायरेक्ट फोर्स ही लिखा है, ठीक है। हमने एक्सरसाइज में तो अब कर रहे हैं, लेकिन हमने थियोरी में भी किया था कि टू करंट कैरिंग वायर के लिए हम लोगों का फोर्स क्या होता था, तो वहां पे ये बी से सिर्फ ये फोर्स को डिनोट किया, बाकी सेम चीज है। तो सेम तरफ अगर जा रहा है तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, मतलब वो दोनों एक दूसरे के तरफ फोर्स फील करेंगे। तो इसीलिए जो है डिरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर्स सेम होने की वजह से वो दोनों अट्रैक्टिव फोर्स फील करेंगे। ये आप मतलब डिरेक्शन देख के भी पूरा सॉल्व करके समझ सकते हो, ये जस्ट एक शॉर्टकट भी आप समझ सकते हो कि दो करंट कैरिंग वायर सेम दिशा में जा रहा है तो वो जो है
अट्रैक्टिव फोर्स फील करेंगे, और उस केस में फोर्स का वैल्यू क्या होगा, दैट इज क्वेश्चन में कि मतलब हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, दैट इज म्यू नॉट टू इनटू आई ए आई बी आई बाई 4 पाई आर, ये जो है अपना फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। फाइनली 2 × 10⁻⁵ न्यूटन आंसर आ रहा है, तो सेम बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अ क्लोजली वुंड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग has 5 layers of windings of 40 turns each. The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of B inside the solenoid near its center. पहले क्या करेंगे? Closely wound solenoid 80 centimeter long and 5 layers of windings of 400 turns each. मतलब 80 सेंटीमीटर लॉन्ग तो वो है ही, और 5 लेयर है 400 400 400 करके टर्न्स का, तो फिर डायमीटर ऑफ द सोलेनोइड बोला है 1.8 सेंटीमीटर, और करंट कैरेट बोला है 8 एम्पियर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनोइड नियर इट्स सेंटर, तो सेंटर के पास इसका जो है बी का वैल्यू क्या होगा, पहले देख लेते हैं। पहले लेंथ ऑफ द सोलेनोइड वो क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड 1.8 मीटर है, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड दैट इज 1.8 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। 5 लेयर्स ऑफ विंडिंग्स ऑफ 400 टर्न्स ईच ऑन द सोलेनोइड, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड 2000 है, डायमीटर ऑफ द सोलेनोइड 0.018 है, और करंट कैरिड बाय द सोलेनोइड 8 एम्पियर है। यहाँ से जो है हमारा फॉर्मूला क्या निकल जाता है, दैट इज म्यू नॉट कैपिटल इन आई बाई एल, और कैपिटल इन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और आई क्या है, सॉरी एल क्या है, दैट इज लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, और आई क्या है, दैट इज करेंट, म्यू नॉट इन आई बाई ए। तो यहाँ पे जो है फाइनली हम लोग निकाल लेंगे, फाइनली आंसर है 2.512 × 10⁻¹। तो ये चीज इंपॉर्टेंट था क्यों लिए, इसलिए दैट इज निकालना, ये चीज बोलना मतलब क्यों इम्पोर्टेंट था, नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न से ही जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो आता है, तो पर यूनिट लेंथ लाने का पर्पस भी आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं ये वाला प्रॉब्लम, मतलब पूछ देता हूँ अब अच्छे से देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब सॉलिनॉइड का है, अभी तक हम लोग इस टाइप का नहीं किया है, तो ये टाइप भी देख लीजिए। तो ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर इज 4.9। 4.9 में क्या बोला है, अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड अ कैरीज अ करेंट ऑफ 12 एम्पियर, मतलब 12 एम्पियर करंट वाला सुपर कॉयल 10 मीटर सॉरी 10 सेंटीमीटर साइड का 20 टन कंसिस्ट करता है, तो द गोल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द कॉयल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द कॉयल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक 0.8 टाउ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाई कॉयल। मतलब यहाँ पे जो है थोड़ा सा अलग है कि अपना कॉयल जो है 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल, मतलब 30 डिग्री एंगल बनाता है, और उसके साथ हॉराइजोंटल मैग्नेटिक फील्ड है 0.8 टाउ का, तो मतलब हॉराइजोंटल मैग्नेटिक फील्ड और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग जो है टॉर्क भी निकाल पाएंगे। तो पहले देख लेते हैं लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द सॉलिड कॉइल इज 0.1 मीटर, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल इज 12 एम्पियर,
नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज 820 एम्पियर. एंगल मेड बाय प्लेन ऑफ कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड इज 30 डिग्री. और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक इज 0.80 टाउ टेस्ला. और तो फिर टाउ क्या होगा, दैट इज एन बी आई ए साइन थीटा. ये बहुत ही अच्छा है, एन बी आई ए साइन थीटा दैट इज टी टाउ सॉरी दैट इज टाउ अपना टॉर्क दैट इज एन बी आई ए इंटू साइन थीटा. तो एन क्या है, एन है अपना 20, बी क्या है 0.8, ए क्या है 12, साइन थीटा क्या है थीटा क्या था दैट 30, तो हाफ. तो यहाँ पे जो है अपना फाइनली आंसर निकल के आ रहा है. ये थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम है, आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. आई होप आपने देखा होगा, थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा कि. और ये टॉर्क के ऊपर प्रॉब्लम था, तो नॉट ओनली हम लोग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग टॉर्क भी एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो चीज़ भी आपको अच्छे से देखना है. ये वाला प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम था. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. दैट इज टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 हैव द पर्टिकुलर रीडिंग R1 इक्वल टू 10 ओम, N1 इक्वल टू 30, A1 इक्वल टू 3.6 इंटू 10^-3 मीटर स्क्वायर, V1 इक्वल टू 0.25 टेस्ला, R2 इक्वल टू 14 ओम, N2 इक्वल टू 42, A2 इक्वल टू 18 इंटू 10^-3 मीटर स्क्वायर, B2 इक्वल टू 0.5 टेस्ला. तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1. पहली बात तो मैं बोल देता हूँ कि ये सारे बहुत अच्छे प्रॉब्लम है और JEE मेन के लिए बहुत अच्छे प्रॉब्लम है. ऊपर से NCERT भी आपको अच्छे से आना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए. तो आपने अगर अच्छे से किया होगा तो ये सारे फॉर्मूला पता होगा होगा. अगर नहीं भी है तो ठीक है, इसके मदद से आप देख लीजिए और आप भी आगे से चल लीजिएगा ये वाला चीज. तभी देखते हैं क्वेश्चन, तो आप अच्छे से करेंगे तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा. खुद से कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, इसके बाद ही आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा. अभी जो है रेजिस्टेंस R1 है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल 3.6 इंटू 10^-3 है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है 0.25. तो मान लेते हैं पहले स्प्रिंग कांस्टेंट है के बाद मूविंग कॉइल मीटर M2 के लिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस गिवन है, N2 गिवन है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, ये सभी चीज़ें गिवन है, ये सभी. और ऊपर से पकड़ ले क्या क्या लिख रखा है, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट पकड़ के रखा है. तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, दैट इज N1 B1 A1 बाई K1, और करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 क्या है, N2 V2 A2 बाई K2. तो रेशियो क्या है, M2 का करंट सेंसिटिविटी बाई M1 का करंट सेंसिटिविटी. तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, दैट इज फाइनली 1.4. हेंस द रेशियो ऑफ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 टू M1 इज 1.4. अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, N2 V2 A2 बाई K2 R2. अब वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M1 इज गिवन एज N1 V1 A1 बाई K1. तो VS2 बाई VS1 क्या है, N2 V2 A2 K1 R1, और नीचे क्या है K2 R2 N1 V1 A1. यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पे एक टाइप है, ये चीज देना थोड़ा भूल गया, बाकी दिक्कत की बात नहीं है. बाकी उसका रेशियो निकाल के यहाँ पे आंसर आ रहा है 1. तो आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ढूंढ के क्वेश्चन किया गया है. आप अच्छे से ये वाला टॉपिक भी कर लीजिए, अच्छे सेट कर लीजिए, ये वाला अच्छा टॉपिक है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. अभी जो है 11th क्वेश्चन पे आते हैं. दैट इज इन अ चेंबर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 G, दैट इज 1 G इज 10^-4 टेस्ला इज मेंटेन, एंड इलेक्ट्रॉन इज शॉट इन टू द फील्ड विद अ स्पीड ऑफ 4.8 इंटू 10^6 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द फील्ड. नॉर्मल टू द फील्ड मतलब एकदम नॉर्मल, मतलब फील्ड के अलावा इसका कोई कंपोनेंट नहीं है. एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सर्किल, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट. फील्ड के अलावा इसका कोई वेलोसिटी का डिरेक्शन नहीं है, तो फील्ड के परपेंडिकुलर है,
हमको पता है फील्ड के परपेंडिकुलर अगर होता है तो उसका ट्रेजेक्ट्री सर्किल की जैसा होता है, जिसका रेडियस भी हमने निकाला था, डिराइव किया था। तो यहाँ पे जो है हम लोग पहले आते हैं सोल्यूशन में, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या बोला, दैट इज 6.5 डी, यानी कि 6.5 × 10⁻⁴। इसका अभी स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, 4.8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और स्पीड क्या था, 4.8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.8 × 10⁻³¹ kg। और एंगल बिटवीन द शॉर्ट एंगल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई ई वी बी साइन थीटा। साइन थीटा तो 1 होगा क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ई वी बी क्या होगा, यही आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू ई वी बी साइन थीटा, यहाँ से आर इक्वल टू एम वी बाई बी साइन थीटा। जो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा 4.2 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। अच्छे से ये वाला प्रॉब्लम देख लीजिए। आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, दस द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन। तो पहले अपना को क्या, पिछले वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन इसका जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन पूछना है, और इसका जो है स्पीड क्या इलेक्ट्रॉन के इस ये जो आंसर जो है इलेक्ट्रॉन के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ या ना। तो पहली बात तो जो है आंसर देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 6.5 × 10⁻⁴ टेस्ला इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। एमई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले वाला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एमई इक्वल टू 9.1 × ये वाला चीज 10⁻³¹ kg। आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वी इक्वल टू 4.8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट आर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.042 मीटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2π न्यू, न्यू है सॉरी, बी क्या बोला, न्यू है। तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वी इक्वल टू आर ओमेगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो ई वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो वी इक्वल टू बी ई बाई 2π m है। तो यहाँ से जो है ओमेगा क्या आएगा, वी बाई आर, तो वी बाई आर, तो वी तो सॉरी सॉरी यहाँ पे वी नहीं, म्यू, म्यू इक्वल टू बी ई बाई 2π m आ गया। तो ये क्या वी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मैं वी रीड कर रहा है, एक्चुअली ये न्यू है, कोई बात नहीं है। अब अच्छे से वी इक्वल टू आर ओमेगा है, तो ई वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर को क्या लिखेंगे, एम बाई आर इंटू आर ओमेगा। अरे यहाँ पे एक बार और फिर से, तो वी वी कट के वो आर ओमेगा रह रहा है, तो फाइनली न्यू जो है, और ओमेगा की जगह 2π न्यू लिख रहे हैं, तो न्यू इक्वल्स टू बी ई बाई 2π m अपना आंसर निकल के आ रहा है। तो इसको वी मत समझना, ये न्यू है ऐसा है, और वी इक्वल टू ऐसा, ये थोड़ा सा सेम दिख रहा है, तो इसको मैं कंफ्यूज मत होना। ये मतलब ये वाला ये है, और ये वाला सभी जो है वी है, ऊपर ये सभी वी है, और ये दोनों जो है न्यू है, और ये सभी वी है। तो आई होप आपको नोटेशन में दिक्कत नहीं होगा, अगर इनकेस आपको दिक्कत हो रहा होगा इसलिए बोल दिया, तो दिक्कत की बात नहीं है। अब अच्छे से ये चीज़ देख लीजिए, तो यहाँ पे जो है हमारे वी के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है, वी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मास के ऊपर, बाकी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। बाकी फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, निकालने के बाद क्या आ रहा है, दैट इज 18 MHz आ रहा है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज अपना निकल के आ गया। अभी लास्ट क्वेश्चन में आता है, दैट इज 4.13। अ सर्कुलर और कॉयल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरिंग अ करेंट ऑफ 6 एम्पेयर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला। फील्ड लाइन्स मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉयल, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द
काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग. व्हाट वुड यू आंसर योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन फर्स्ट ऑप्शन वेयर रिप्लेस्ड बाई अ प्लेनर ऑप्शन है वेयर रिप्लेस बाई अ प्लेनर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट इंक्लोजेस द सेम एरिया. तो पहली बार तो देख लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे पहला. हाँ ये पहले आप नोट डाउन कर लो. नंबर ऑफ टर्म्स 30 दिया है. आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर 0.08 मीटर दिया है. एरिया ऑफ द कॉइल पाई आर स्क्वायर यानी कि 0.02101 मीटर स्क्वायर दे दिया गया है. और करेंट फ्लोइंग इन द कॉइल दैट इज 6 एम्पियर दे दिया गया है. और मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 1 टाउ दे दिया गया है. अभी जो है एंगल भी दे दिया गया दैट इज 60 डिग्री. तो यहाँ पे पहले हम लोग टाउ निकाल लेते हैं तो उसका काउंटर टॉर्क भी सेम होना पड़ेगा. तो इसीलिए वो काउंटर टॉर्क सेम होगा तभी तो उसका नेट टॉर्क 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे जो है टॉर्क क्या हो जाएगा नेट पहला वाला टॉर्क क्या हो जाएगा दैट इज NIBA sin थीटा. वहां से 3.133 न्यूटन मीटर आ रहा है आंसर. और ये क्या है कि ए जो है ये एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि शेप के ऊपर. टाउ ये तो एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. यानी मतलब ये आंसर जो है अगर एरिया चेंज भी होता है तो ठीक है सेम रहेगा सब ठीक ठाक ही होगा. तो यहाँ पे जो है अपना फाइनली आंसर निकल के आ गया. तो आई होप दिस इज क्लियर. तो हम लोग जो है जहाँ तक करें आपको अच्छे से सॉल्यूशन देखना है. सॉल्यूशन देख के समझना है कैसे सॉल्व करते हैं अप्रोच समझना है तो आपका जो है पूरा क्लियर हो जाएगा. कोई दिक्कत की बात नहीं. तो हमने किया यहाँ तक था हमारा एक्सरसाइज. तो मतलब इस बुक के अकॉर्डिंग यहाँ तक एक्सरसाइज था. तो आप लोग अच्छे से कीजिए फॉर्मूलाज यूज करना सीखिए फॉर्मूलाज का मतलब समझिए. अलग अलग टॉपिक्स है उसके ऊपर प्रॉब्लम से समझिए क्या बोलने का कोशिश किया वो समझिए. तो आपका क्लियर हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है.